मौनी रॉय हैं गुस्सा, और गुस्से होने की वजह जो है उसको सुनने के बाद आप लोगों को भी गुस्सा आ जाएगा, और इस बात को लेकर मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि इस समय पर भी अगर इस तरीके से काला बाजारी होगी तो हमारे देश का पता नहीं किस तरीके से उद्धार होगा। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी, और मौनी रॉय के गुस्सा होने की वजह बहुत वाजिब है। दरअसल रेमडेसिविर नाम की एक ड्रग की अभी बहुत जरूरत पड़ रही है, जिसको अब सरकार ने जो है एक नॉर्म के तहत ही अवेलेबल करवाने की सारी बातें तय कर दी हैं, कि अगर आपको इस ड्रग की जरूरत है तो वो आपको सिर्फ हॉस्पिटल अथॉरिटीज या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर से ही मिल पाएगा, बिकॉज इसको लेकर जो है काफी ज्यादा कालाबाजारी चल रही थी। दरअसल इस ड्रग को पहले तो बहुत महंगे प्राइसेस में बेचा जा रहा था, जिसकी कीमत जो है कुछ हजारों में है उसको लाखों में बेचा जा रहा था, और ये काम कई लोग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार को ये कदम उठाना पड़ा कि उन्होंने इसको अपने अंडर ले लिया, और सिर्फ अथॉरिटीज के थ्रू ही ये मिल पाएगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग लगे हुए हैं इसकी कालाबाजारी करने में, और सिर्फ दवाई के अगर रेट्स के साथ कालाबाजारी होती और इस तरीके से रेट्स को एम्पलीफाई करके बेचा जाता तो भी एक बार को समझ आ जाता कि लोग जो है पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की सेहत से भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सिर्फ सॉल्ट, शुगर और वाटर का एक ग्लूकोज का एक सप्लीमेंट बनाकर इस इंजेक्शन की बॉटल में डालकर जो है लोगों को बेचने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़ी टीम बरामद की गई है बहुत सारे रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शंस के साथ, जिसमें उन्होंने ग्लूकोज या फिर सॉल्ट एंड वाटर का एक सोल्यूशन डालकर जो है बेचने की कोशिश की है, और उनके पास से बरामद हुए हैं खूब सारे पैसे भी। आप खुद ही सोचिए कि कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली इस पूरी घटना के चपेट में आ गए होंगे, इस कालाबाजारी के चपेट में आ गए होंगे, जिन्होंने एक्चुअली अपने घर वालों को, अपने परिजनों को, अपने लोगों को एक असली इंजेक्शन ना देके सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर का घोल पिला दिया होगा, और उससे उनकी सेहत शायद सुधरी हो, शायद नहीं सुधरी हो, ऑब्वियसली सुधरी तो नहीं होगी। उसके बाद बस हम यही प्रे कर पा रहे हैं कि वो लोग बच गए हों जो इस कालाबाजारी का शिकार हुए हों। ऐसे में मौनी रॉय का गुस्सा बहुत जायज है। इस गुस्से को जैस्मिन भसीन ने भी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर किया है, एंड आई थिंक दिस इज रियली रियली हीनियस, जैसे लिखा है मौनी ने। क्या कहना चाहेंगे आप पूरे इस इंसिडेंट के बारे में, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।